नमस्कार दोस्तों, रिटर्न फाइलिंग टीम की ओर से प्रेजेंट किए जा रहे TDS के इस प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन बेस्ड है TDS ऑन रेंट्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर हम ईच एंड एवरी कंसेप्ट को पढ़ेंगे और यह पूरी तरह जानने की कोशिश करेंगे कि कब और किस कंडीशन में रेंट के ऊपर TDS अप्लाई होगा और रेंट आप किस चीज़ का पे कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है और आप लोग जितने भी क्वेरी पूछते हो सबको मैंने इनकॉर्पोरेट हमेशा की तरह कर रखा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप क्वेरी ऐसे ही पूछते रहे सो डैट मेरा हर नेक्स्ट वीडियो में उस आपकी क्वेरी को हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सके और इंडिया के नंबर वन चैनल का आप फायदा उठाते रहें, जहाँ पे हमारे टीम के लोग आपको गारंटी 48 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरी के रिप्लाई देते रहे हैं, हमेशा से देते आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हुए, समय को न बर्बाद करते हुए, हमेशा मैं यही कहता हूँ, तो आप अपना पेपर पेन पेंसिल जो भी है ओपन कर लीजिए सो डैट यू कैन गेट मोर बेनिफिट, जैसे कि मैं ऑलवेज में कहता हूँ। तो दोस्तों क्या क्या कवर करेंगे, हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल सेशन है तो बहुत हम पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं देन उसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्या क्या कवर करेंगे, कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा TDS काटने के लिए, ठीक है, रेट क्या होंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल, क्या लिमिट होगी, हम आपके कंप्यूट करके दिखाएंगे कि एक्सेल में कैसे आप उसको कंप्यूट करेंगे ताकि वो रिटर्न फाइल करने में या TDS डिपॉजिट करने में आपको ईजी रहे। साथ ही साथ कुछ केस जजमेंट भी करेंगे, सर्कुलर्स भी करेंगे, 24 की यहाँ पर 26 क्यू आएगा, 26 क्यू आपको मैं दिखाऊंगा, 26 क्यू भी आएगा आगे चल के तो उसको भी दिखाऊंगा। TDS सर्टिफिकेट 16A 16B भी यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएगा इमोबल प्रॉपर्टी वाला केस में, खैर अभी 16A यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। इंटरेस्ट और पेनाल्टी अंडर TDS, कौन कौन से इंटरेस्ट और पेनाल्टी कितना लगेगा अगर आप TDS डिडक्ट कर लिए और आप डिडक्ट करने के बाद आप जमा नहीं कर रहे हो या आपने डिडक्ट ही नहीं किया या रिटर्न आपने समय से फाइल नहीं किया तो आपके ऊपर कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, वो सबको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लगता है रेंट को, आप जब भी रेंट के बारे में सोचते हो तो आपको क्या लगता है कि नॉर्मली लोगों को अगर रेंट के बारे में बोला जाए तो वो लोग यही सोचते हैं कि रेंट एंड बिल्डिंग, नहीं दोस्त, TDS जो है ना सिर्फ रेंट एंड बिल्डिंग के बारे में नहीं सोचता है। आप आज के समय में एक आउटसोर्सिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट एक बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है, जहाँ पर क्या होता है कि आपको जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको एक प्लांट चाहिए या आपको एक मशीनरी चाहिए तो एक बंदा है वो मशीनरी आपको रेंट पर दे देता है, ठीक है, तो आप उसके बदले में क्या देते हो, रेंट देते हो या लीज पर दे देता है। तो आप उसके बदले में जैसे कि एयरलाइंस हो गई, एयरलाइंस कंपनियां क्या करती हैं, उनकी एयर जो लाइन एयरक्राफ्ट होती है, मैक्सिमम एयरक्राफ्ट उनकी खुद की नहीं होती है, वो लीज पर ली हुई होती है, तो वो लीज पर उनको रेंट पे कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में TDS अप्लीकेबल होगा बिल्कुल, क्योंकि अब आपको वो तो बिल्डिंग नहीं है ना। तो देखो लेमन में अगर बात करूँ तो नॉर्मली आदमी यही समझता है रेंट का मतलब कि आप बिल्डिंग यूज कर रहे हो, प्रेमाइस यूज कर रहे हो, जैसे अगर और आप उसके बदले में रेंट दे रहे हो, लेकिन सिर्फ ये बिल्डिंग तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप लैंड भी यूज कर रहे हो ना, और लैंड जैसे कि शादी विवाह के लिए लोग लैंड लेते हैं, ठीक है, किराए पर, और उसके बदले में पेमेंट करते हैं, तो उस पर TDS अप्लीकेबल होगा, मतलब ये रेंट के डेफिनेशन में इंक्लूड है, कहने का मतलब ये है। या आप बिल्डिंग तो आप ऑलरेडी जानते हैं, प्लांट मैंने आपको बताया, प्लांट अगर आप कोई बंदा आपको देता है रेंट पर तो उसके ऊपर भी मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर भी आपको कोई सप्लाई करता है रेंट पे तो उसके ऊपर वही इस सेक्शन में ही कवर होगा 194 आपके आई में, ठीक है। तो इतने चीज़ रेंट के अंदर कवर किए गए हैं, मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि क्या क्या रेंट का, ये मत सोचिएगा रेंट का मतलब सिर्फ बिल्डिंग से मतलब है। आपके यहाँ अगर CCD का वो मशीनरी भी आता है तो अगर वो बंदा उस आपको रेंटल बेसिस पे आपको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और उसको रेंट पे करते हो तो वो भी यहीं पे आएगा, क्योंकि वो इक्विपमेंट के अंदर फाल कर जाएगा, ठीक है। या आपको कोई सोफा सेट आपको प्रोवाइड कर रखा है या आपको AC कोई प्रोवाइड कर रखा है रेंटल बेसिस पे तो वो भी इसी के अंदर फाल कर जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके एग्रीमेंट के ऊपर और नेचर इन सब टर्म्स के ऊपर, ठीक है, किसके अंदर आता है तो इसी सेक्शन में फॉल करेगा। अब बात करते हैं प्रोविजंस की, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। 194I, जैसे कि मैंने पहले बता रखा है कि 194I डील करता है TDS ऑन रेंट के ऊपर, जो कि रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। डिडक्टेड बाई, हमेशा की तरह कौन डिडक्ट करेगा, एनी पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, HOA, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, एक्सेप्ट इंडिविजुअल और HOA, बट इफ इट ये कवर हो जाते हैं कब, जब इनका टैक्स ऑडिट इज मैंडेटरी, अदरवाइज
ये कवर नहीं होंगे। अगर इनका टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB में मैंडेटरी हो गया, यानी कि 1,50,00,000 से ऊपर जा रहा है, तो ये पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है TDS काटने की, अदरवाइज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी 194I में TDS काटने की। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक अमेंडमेंट है, तो सो ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर अमेंडमेंट है, अभी मैं आगे कवर कराऊंगा। सर एक नया सेक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें बोला गया कि ये पर्सन भी अब लाइबल होंगे TDS काटने के लिए, लेकिन उनके लिए अलग से सेशन नहीं, अलग मैंने स्लाइड बना रखा है, तो वहाँ कवर करते हैं। अब बात करते हैं एनी पर्सन, मैंने बता दिया कब किस टाइम आप TDS डिडक्ट करोगे। हमेशा की तरह मैंने बताया कि सिर्फ सैलरी के केस में ही सिर्फ एट द टाइम ऑफ पेमेंट होता है, बाकी ऑलमोस्ट सभी केसों में एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर केस में आप डिडक्ट करके चलेंगे। क्या कोई लिमिट है? आप 10,000 भी डिडक्ट दे रहे हो तभी भी आप TDS काटोगे? नहीं, 1,80,000 तक ये पूरे साल भर की है अमाउंट, ध्यान रखना। अगर 1,80,000 तक का साल भर का आपका रेंटल बनता है तो नो TDS, इससे ऊपर बनेगा तो आप फुल अमाउंट पर TDS काट कर चलोगे। क्या रेट होगा दोस्त? 2% फॉर यूज ऑफ एनी मशीन और प्लांट और इक्विपमेंट, ध्यान रखना दोस्त। 2% किसके लिए है? यूज ऑफ एनी मशीन प्लांट और इक्विपमेंट। और 10% यूज ऑफ लैंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट टू बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग, ध्यान रखना। बहुत लोग गलत कर देते हैं, फर्नीचर फिटिंग 10% में है, जबकि प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट 2% के रेट में ये इंक्लूड किया गया है। इसको थोड़ा सा रेट को भी आप ध्यान में रखकर इसको चलेंगे, ठीक है। कुछ सर्कुलर है, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सर्कुलर जजमेंट, तो यहाँ पर सर्कुलर CBDT ने इशू कर रखा है 5/2008 का सर्कुलर कर रहा है कि अगर आपने एडवांस रेंट दे दिया है, ठीक है, तो एडवांस रेंट दे देंगे तो आपको उसके ऊपर TDS काट कर चलना पड़ेगा दोस्त, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अगला सर्कुलर है 1/2008 का कि पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ कूलिंग चार्ज टू द कोल्ड स्टोरेज ओनर TDS अप्लीकेबल 194I। कूलिंग चार्ज के लिए अगर करते हो कोल्ड स्टोरेज ओनर को तो TDS 194I में अप्लीकेबल होगा सर्कुलर 1/2008। लेकिन कूलिंग चार्ज का बात कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज एक कि अभी आगे आपको इसमें डिटेल से अभी बताऊंगा कोल्ड स्टोरेज के बारे में। रेंट इंक्लूड सर्विस चार्ज, जो सर्विस चार्ज होगा दोस्त, सर्विस चार्ज, सर्विस टैक्स नहीं, देखो सर्विस टैक्स एक्सक्लूड करते हैं टैक्सेस व्हाइल वी कैलकुलेटिंग TDS, बट अगर हम सर्विस चार्ज की बात करते हैं तो वो रेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो। TDS रिक्वायरमेंट वेयर रेंट नॉट पेबल ऑन मंथली बेसिस, देखो दोस्त होता क्या है कि मंथली बेसिस पर कभी कभी आप रेंट नहीं पे करते हो, अगर एग्रीमेंट बना लियो कि आप क्वार्टरली पे करोगे तो आप सोचोगे भाई मंथली तो TDS कब काटोगे। नॉर्मली लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर मैं रेंट मंथली रेंट जाता है, ठीक है, तो अक्रूअल बेसिस पर या मैचिंग कंसेप्ट के बेसिस पर लोग ये सोचते हैं कि नहीं मंथली बुक होना चाहिए, लेकिन अगर आप क्वार्टरली पे का कॉन्ट्रैक्ट है रेंटल का तो आप TDS क्वार्टरली ही काटोगे ना कि मंथली, ठीक है। चार्जेज रिगार्डिंग कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, जैसे कि मैंने बताया कि 194 वहाँ पे कोल्ड को होता क्या है दोस्त, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में ना होता मेन क्या है, इनके सब कोल्ड स्टोरेज जहाँ पर मिल्क आइसक्रीम वेजिटेबल एक्सेट्रा आर स्टोर किए जाते हैं, पेमेंट में भी स्टाइल चार्ज फॉर द यूज ऑफ द प्लांट, वहाँ पे जो पेमेंट होते हैं प्लांट के यूज करने के लिए होते हैं, इसलिए 194 बिल्डिंग के लिए नहीं होते हैं कोल्ड स्टोरेज केस में, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज इज अ प्लांट एंड 194 विल नॉट अप्लीकेबल टू द कूलिंग चार्ज पेड बाय द कस्टमर ऑफ द कोल्ड स्टोरेज, 194 नहीं अप्लीकेबल होगा इस कंडीशन में। पेमेंट टू होटल फॉर होल्डिंग सेमिनार इंक्लूडिंग लंच, अगर आपको किसी होटल में सेमिनार कराते हैं और लंच वो प्रोवाइड करता है, वेयर द होटल डू नॉट चार्ज फॉर यूज ऑफ प्रेमाइस, वो प्रेमाइस के लिए चार्ज नहीं करता बट वो चार्ज करता है किसके लिए, कैटरिंग के लिए, मील के लिए ओनली, तो सेक्शन 194 वुड नॉट अप्लाई, डेफिनेटली नहीं होगा, वो आपका सी में फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना होगा क्योंकि नॉर्मली लोग होटल के अंदर सेमिनार कंडक्ट कराते हैं। अब सिंस ये सीरीज चल रहा है तो 194I के बाद IA डिस्कस करते हैं, उसके बाद IB। IA का थोड़ा सा नेचर अलग है, इसमें करते हैं TDS ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, क्या कह रहा है कि TDS ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, उसमें भी अगर एग्रीकल्चरल लैंड को हटा के तो उसके ऊपर अगर आप उसको ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं,
तो टीडीएस काटना होगा, किस कंडीशन में कौन काटेगा इसका थोड़ा सा अलग से प्रोविजन है, देखते हैं क्या कहता है प्रोविजन। डिडक्टेड बाई एनी पर्सन बींग ट्रांसफरी, यानी ट्रांसफरी का मतलब बायर, देखो दोस्त ट्रांसफरी की बात कर रहा है, यानी कि बायर यहां पर टीडीएस डिडक्ट करेगा, ठीक है, जिसको ट्रांसफरी बोला जाता है। कब करेगा? एट द टाइम, वही सेम चीज, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट या एट द टाइम ऑफ पेमेंट, व्हिच एवर अर्लियर। लिमिट क्या है? नो टीडीएस इफ अमाउंट ऑफ टोटल परचेज एक्विजिशन इज अप टू 50 लाख। अगर 50 लाख तक के वैल्यू पर तक अपने परचेज कर रहे हो तो टीडीएस काटने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर अदरवाइज 1% अनफुल कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि रेट जो होगा 1% तो है, लेकिन किसके ऊपर, ये मत कहिएगा 50 लाख घटाकर, नहीं, आपको फुल के ऊपर काटना होगा। अगर 55 लाख है तो 55 लाख का 1% आपको काटना होगा, ठीक है। इफ परचेज फ्रॉम नॉन रेसिडेंट देन डिडक्टेड एज पर, ये हम लोग जानते हैं कि नॉन रेसिडेंट के केस में सेक्शन 194 या DTA जो भी कर ले उसके अकॉर्डिंग TDS अप्लीकेबल होता है, तो करें कि अगर नॉन रेसिडेंट है तो 194 के अकॉर्डिंग TDS काट कर चलेंगे। अब क्वेरी है कि आप ही लोग को द्वारा पूछा गया है कि आई एम बायर, आई डू डू आई रिक्वायर टू प्रोक्यूर टैन टू रिपोर्ट द TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप बायर हो यानी कि परचेजर हो ऑफ द प्रॉपर्टी, तो आपको टैन लेने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्त, पूरे TDS के चैप्टर में टैन लेने की जरूरत पड़ती है अगर आप डिडक्टर हो तो, क्योंकि टैन के द्वारा ही TDS जमा होते हैं। लेकिन कह रहा है कि इनकेस आप 194IA यानी कि इस सेक्शन में जब आप इमोवेबल प्रॉपर्टी बाई करते हो अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, तो आपको टैन लेने की जरूरत नहीं होगी, आपको पैन से ही आपका काम चल जाएगा। हाउ विल ट्रांजेक्शन ऑफ ज्वाइंट पार्टी मोर देन वन बायर और सेलर टू बी फाइल इन फॉर्म। देखो दोस्त, इसमें क्या होता है, जो स्टेटमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट कम चलान होता है, ये आपको भरना होता है, इसको 26QB बोलते हैं, ये ऑनलाइन भरना होता है आपको, ठीक है, ये आपको अलग से कोई चलान नहीं होता, इसी को स्टेटमेंट कम चलान बोलते हैं। और कह रहा है कि जहाँ पर जो पार्टीज हैं, मोर देन वन पार्टी हो, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, अगर जहाँ पर मोर देन वन हो तो इस कंडीशन में कितने चलान बढ़ेंगे, तो ध्यान रखना दोस्त, इस कंडीशन में हर एक बायर यूनिक बायर होता है और सेलर कॉम्बिनेशन फॉर द रिस्पेक्टिव एसेट में उसको भरेगा। जैसे इन रिस्पेक्ट ऑफ वन बायर एंड वन सेलर है या टू सेलर है, तो टू फार्म हैव टू बी फाइल्ड इन एंड फॉर टू बायर एंड टू सेलर फोर फार्म हैव टू फाइल, यानी कि दो बायर दो सेलर हैं तो चार फार्म भरा जाएगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इफ आई डू नॉट हैव पैन ऑफ द सेलर। देखो पैन तो चाहिए दोस्त, बिना पैन के काम नहीं होगा, पैन इज मैंडेटरी। द सेम मे बी अक्वायर्ड फ्रॉम द सेलर बिफोर इफेक्टिंग द ट्रांजेक्शन, आपको अक्वायर करना ही पड़ेंगे पैन, अदरवाइज आप कैसे फॉर्म भरेंगे 26QB कैसे भरेंगे। व्हाट इज फॉर्म 26QB, वैसे पहले बता दिया, ऑनलाइन फॉर्म है अवेलेबल अंडर टीन वेबसाइट, आप टीन वेबसाइट पे जाओ या ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे इसको भरना होता है ऑनलाइन ही सब कुछ। तो आप पहले डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले हर चीज़ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उसका नाम, पैन, एड्रेस, अमाउंट, TDS अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर ले अगर डिले हो रहे हो तो, तभी आप इसको भरे, अदरवाइज आपको दिक्कत होती है बार बार वो एक्सपायर हो जाता है, इसलिए मतलब सेशन एक्सपायर हो जाता है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखकर आप भरेंगे। अगला क्वेश्चन है, आई हैव फाइल फॉर्म 26QB एंड मेड अ पेमेंट ऑनलाइन बट आई फॉरगेट टू सेव। होता क्या है कि नॉर्मली एक्नॉलेजमेंट लोग भूल जाते हैं सेव करना, तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर एट टीन वेबसाइट फ्रॉम वेट देन आप एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे पाएंगे, तो होता क्या है दोस्त, आप इजीली पा सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर फॉर 26QB फर्निश इज अवेलेबल ऑन 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, आपके 26AS में वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, आप वहाँ से निकाल कर इसको यूज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चेंजेज आए हैं सेक्शन 194IB के अंदर, कि पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल और HOF, ये वही इंडिविजुअल और HOF हैं जो टैक्स ऑडिट के अंदर नहीं आते हैं, ये नया सेक्शन है, अप्लीकेबल है 1 जून 2017 से, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसके द्वारा आप TDS काटना होगा। अभी तक क्या होता था कि अदर देन
दोज नॉट कवर अंडर सॉरी कवर अंडर सेक्शन 44 ए बी में अगर कवर हो नहीं कवर हो तो आपको रेंट के ऊपर अगर आप रेंट दे रहे हो तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब आपको अगर रेंट पर मंथ 50,000 रुपये से ज़्यादा दे रहे हो तो भले आप टैक्स ऑडिट आपकी हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, आपको टीडीएस काटने की जरूरत है, अब मैंडेटरी है। तो इसको ध्यान रखें, रख के चलेंगे। क्या रेट होगा आपका? 5% का रेट होगा। टाइम कब होगा? एनुअली इन द लास्ट मंथ, एनुअली काटना होगा, मंथ ऑफ मार्च और लास्ट मंथ ऑफ द रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। आपको टैन लेने की जरूरत आपको भी नहीं है, आपका पैन से ही आपका, जैसे कि उसमें 26 क्यूबी होता था, इसी प्रकार यहाँ आपका पैन से ही काम हो जाएगा। स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट कम चलान भरा जा सकता है इसके थ्रू। आई एम कह रहा है कि आई एम टैन, आई डू रिक्वायर दैट प्रोक्यूट टैन, नहीं मैंने आपका ऑलरेडी बताया टैन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आपका पैन से ही रिटर्न आपका वहाँ पे 26 क्यूबी होता था, अब यहाँ पर इसके लिए 26 क्यूसी है। ये चलान कम स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। रिपोर्टिंग क्या कर रहा है कि आई भी ऑनलाइन, जैसे कि वो था टीम के वेबसाइट पर, मैंने उसके बारे में जो प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर इसका भी है, बस फॉर्म अलग है, 26 क्यूबी हुआ था और 26 क्यूसी ये इसका है। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड ऑन पेमेंट ऑफ रेंट आई बी? आई बी के अंदर ड्यू डेट क्या होगा? ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस ऑन रेंट इज 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्टी इज मेड। अगर नहीं आपने किया तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए अपना, क्योंकि नॉर्मली लोग भूल जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज फॉर्म 16C? मैंने बताया ना 16A तो आपके उस केस में है, 16C इस केस में आपको फॉर्म इशू करना होगा, आपको मतलब जनरेट करना होगा, ठीक है। फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट है, हम जानते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, ये टू बी इशू बाय डिडक्टर, डिडक्टर इशू करेगा, यानी कि आप जो रेंट बंदा दे रहा है वो जनरेट करके देगा लैंडलॉर्ड को, ठीक है। टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट पर आपको ये काम आपको वहां से करना होगा। हाउ विल बी ट्रांजेक्शन ऑफ ज्वाइंट पार्टी? अगर ज्वाइंट पार्टी है सेम चीज़ है, ज्वाइंट पार्टी अगर दो है तो आपको दो उधर है दो इधर, तो चार एक और दो है तो आपको दो से ही काम आपका चल जाएगा। अब बात करते हैं, ये रिपीटेशन वाला है। अगर आप मेरा 194C वाला सेशन देख रखे हैं तो इसको यहाँ से देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम चीज़ है। ड्यू डेट वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर वहाँ नहीं देखना चाहते तो यहीं देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा फास्ट कवर कराऊंगा क्योंकि मेन प्रोविजन अब तक यहाँ तक ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं, आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, ठीक है, अब इसको जमा कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, कब तक करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद की रिटर्न की क्या प्रोसेसिंग होगी, अब वो सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो दोस्त, आप टीडीएस डिडक्ट कर लिए तो आप उसको अपने पास तो रखोगे नहीं, ऑब्वियस बात है, उसको जमा करोगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोशिश कीजिए, अगर ज़्यादा हैवी अमाउंट है तो 7 तारीख को ही जमा करें, बशर्ते कि पेमेंट फेल्योर ना हो, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। तो 7 तारीख होती है हर मंथ की, अगले मतलब जो भी आपका मंथ होता है उसके अगले महीने के 7 तारीख तक आपको टीडीएस जमा करना होता है। आल दो आप जब चाहें तब जमा कर सकते हैं, आज ही काटो आज ही जमा कर दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर होता कि नॉर्मली अच्छा नहीं होता है, इसीलिए 7 तारीख तक कर, मतलब लोग 7 तारीख को ही करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि पूरी लाइबिलिटी आपको डिटरमाइन हो जाए। स्टार्टिंग में मालूम नहीं चलता ना कितनी लाइबिलिटी होगी, या तो बार बार आप पेमेंट करते रहो। रिटर्न क्या है? 26Q और 27Q, यहाँ पर 26Q के बारे में बात करते हैं। ये क्वार्टरली रिटर्न सेम चीज़ है, क्वार्टरली रिटर्न जाता है, अगर पहला क्वार्टर है अप्रैल से जून तो 31 जुलाई, जुलाई से सितंबर तो 31 अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर का जो क्वार्टर चलेगा 31 जनवरी 18, और जनवरी से मार्च वाला 31 मई है 2018। और आई ए और आई बी 30 डे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिडक्शन, ध्यान रखना आई ए और आई बी के केस में 30 डे। और फर्निश चालान कम स्टेटमेंट, और अभी तक मैं बताया 26 क्यूबी और क्यूसी, मैंने आपको दोनों को बता दिया, 30 डे के अंदर मंथ ऑफ डिडक्शन से ये चालान कम स्टेटमेंट आपको फर्निश करने होते हैं। यहाँ पर 26Q आएगा, ध्यान रखना दोस्त, यानी कि इस केस में 26Q और 24 आई ए और आई बी केस में, ठीक है। टाइम लिमिट पर इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट, या आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू 15 दिन के अंदर करने होते हैं, अगर आप नहीं करते हो तो 100 रुपये के रेट से पर डे के रेट से आपके ऊपर पेनाल्टी लगाया जा सकता है।
लेकिन ये उस केस में था। अगर आप, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप जानना चाहते हैं कि 26 एस के अंदर ये आपका अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, अब अगर भाई एक्नॉलेजमेंट नंबर भूल जाते हैं तो वहाँ पर आप वहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप TDS डिडक्ट करके आप जमा नहीं किए या डिडक्ट करने से भूल गए, तो जब आप कॉन्सिक्वेंस फेलियर टू डिडक्ट फेल हो जाते हैं तो आपको SSC इन डिफॉल्ट माना जाता है और 200, जैसे SSC इन डिफॉल्ट बनते हैं आप 220 और 221 के इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपके ऊपर लगाया जाता है, यानी कि 1%, 1.5% और पेनल्टी अप टू TDS अमाउंट तक पेनल्टी आपको लगाया जाए। लेकिन SSC इन डिफॉल्ट आपको नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि जिसका आपने TDS काटा है वो बंद नहीं काटा है, मतलब काटना बनता था नहीं काटा है, वो बंदा उस इनकम को अपने रिटर्न फर्निश करने से पहले रिटर्न टाइम से फर्निश कर दिया हो और उस इनकम को रिटर्न में अपने कंप्यूटेशन में जो इनकम कंप्यूट किया उसके अंदर इंक्लूड कर लिया हो, मतलब उसने ऐड किया हो उस इनकम को और उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता था वो पे कर दिया हो और उसका एक सर्टिफिकेट आपको फर्निश कर दिया हो अकाउंटेंट के द्वारा जो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप SSC इन डिफॉल्ट नहीं आपको माना जाएगा, ऑल्दो आप इंटरेस्ट पे करोगे पेनल्टी से बचाओगे, ठीक है। दोस्तों एक इंटरेस्ट एंड फेल्यूर यही मैं बताया, इंटरेस्ट 1%, 1.5% एंड पेनल्टी जो है आपका इक्वल टू TDS अमाउंट 271C का पेनल्टी यहाँ पर अप्लाई होगा। अब बात करते हैं कि यदि आप पेनल्टी लगेगा कब, 234E का फीस और 271H का पेनल्टी, ये कब होता है, फीस होता है कि यदि आप रिटर्न, ये रिटर्न का है ध्यान रखना दोस्त, वो था डिडक्ट और नॉट पेड, ये रिटर्न के लिए है, आपने रिटर्न में कुछ फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वार्टरली रिटर्न आपने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, तो 200 रुपये पर डे आपके ऊपर लगाया जाएगा। आप पेनाल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश, आप फेल हो गए TDS रिटर्न भरने से, तो आपके ऊपर मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1,00,000 तक की पेनाल्टी लगाया जाएगा। लेकिन ये पेनाल्टी नहीं लगाया जाएगा कब, बशर्ते कि 234E वाला फीस जो है आपने दे रखा हो, लेकिन वो फीस दे रखा हो विद इन 1 ईयर के अंदर, यदि 1 ईयर से ज़्यादा है तो दोनों का अप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरा सेशन यहाँ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, आप अपनी क्वेरी पूछते रहिए, हमारी टीम का फ़ायदा उठाते रहिए और अच्छा लगे तो शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।